जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन आज क्लास 10th में व्याकरण का एक टॉपिक वो है विशेषण, वो करेंगे। तो सर्वप्रथम बात आती है कि विशेषण किसे कहा जाते हैं या विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो क्या होगी इसकी परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिभाषा बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब आ जाती है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण, ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं। हम एक एक करके इन समस्त विशेषणों की चर्चा करेंगे, इनकी क्या परिभाषा होती है, क्या गुण होते हैं, क्या धर्म होते हैं। तो सर्वप्रथम आज अपन लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, अब गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, क्या होगी इसकी परिभाषा, वह विशेषण जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, स्वाद इत्यादि का बोध कराते हो, बताते हो। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद इत्यादि गुणों को बताते हो, उनको अपन क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए रावण दुष्ट राक्षस था, सोहन एक ईमानदार बालक है, सीता सुंदर नारी है। तो इनमें ये क्या बता रहा है, राक्षस प्रवृत्ति का। रावण क्या गुण बता रहा है, रावण का गुण क्या बता रहा है, वो राक्षस था। इसमें सोहन का क्या गुण बता रहा है, ईमानदारी का। सीता का क्या गुण बता रहा है, सुंदर। तो ये इसके तीनों क्या हो गए, विशेषण, राक्षस, ईमानदार, सुंदर। और कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक, क्योंकि वो इनके गुणों को प्रकट कर रहे हैं, उनके गुणों को बता रहे हैं। तो जहां के ऊपर भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताओं को गुण के रूप में बताते हो तो वे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। अब अपन दूसरा कहते हैं परिणामवाचक। जैसा कि शब्द से ही मालूम चल जाता है अपने को, परिणाम, परिणाम यानी नाप तोल या परिणाम। नाप तोल, नाप तोल कहते नहीं भाई 100 ग्राम आटा, 200 ग्राम चीनी, ये नाप तोल है। परिणाम, परिणाम यानी वो जीत गया, हार गया, ये पास हो गया, वो फेल हो गया, ये सारी चीजें क्या करती है, परिणाम बताती है। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता परिणाम के रूप में उत्पन्न होती है या परिणाम के रूप में दर्शाई जाती है तो वहां पर कौन सा होगा, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण दो तरह के होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और एक अनिश्चित परिणामवाचक। अब निश्चित परिणामवाचक किसे कहेंगे, जिसमें परिणाम निश्चित हो। जैसे मैं 5 किलो आटा लेके आया, या मुझे 5 किग्रा आटा लाना है, मैं आज शतक बनाऊंगा, अब इसमें देखिए 5 किग्रा एक निश्चित चीज है, जो चीज निश्चित है, मैं आज शतक बनूंगा, तो शतक निश्चित है, 100 का आंकड़ा, 5 किग्रा ये क्या, ये निश्चित है। जब ये बात निश्चित हो तो वो क्या होगा, निश्चित वाचक, निश्चित परिणाम वाचक होगा। पर यदि ये निश्चित ना हो, जैसे उदाहरण के लिए किसी को अपन ले लेते हैं, किसी को अनिश्चित में लेते हैं, तो मुझे आटा लाना है, अब इसमें कितना लाना है, कौन सा लाना है, क्या करना है, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। जब कुछ निश्चित नहीं हो तो वो क्या करेगा, अनिश्चित परिणाम वाचक। जिसमें निश्चित हो वो क्या करेगा, निश्चित परिणाम वाचक। अब मुझे आज रन बनाने हैं, अब कितने रन बनाने हैं, यह अनिश्चित, रन बनाना है बस, ये कह दिया उसने। जबकि पूर्व में क्या कहता, शतक बनाना। तो ये चीज निश्चित थी और ये चीज अनिश्चित है, मुझे 5 किलो आटा लाना है,
और यहाँ क्या कह रहे हैं, मुझे आटा दाना है। अब एक जोड़े में फर्क आपने को मालूम चल गया, इसमें चीज निश्चित है और इसमें अनिश्चित है। तो परिणाम वाचक के दो भेद होते हैं, एक तो होता है निश्चित वाचक और एक होता है अनिश्चित वाचक। और परिणाम वाचक में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है, नाप तोल है और परिणाम है। वो फेल हो गया, फेल पास हो गया, ठीक है, उसका जीत हो गई, उसकी हार हो गई, ये सारे परिणाम को इंगित करते हैं और साथ में नाप तोल। तो ये आज के लिए अपन दो ही करेंगे, शेष दो है वो कल करेंगे, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। तो पूर्व में जो मैंने बताया एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। गुणवाचक की अंतर्गत क्या चीजें देखी जाती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत देखी जाती है। परिणाम वाचक में परिणाम देखा जाता है। अब परिणाम दो तरह के होते हैं, एक निश्चित परिणाम होता है, एक अनिश्चित परिणाम होता है। निश्चित परिणाम में ये सारी चीजें निश्चित होती है और जबकि अनिश्चित में चीजें निश्चित नहीं होती। तो आज के लिए इतने शेष कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।